नमस्कार नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये दिनांक 28/3/2024 को जो नानक मत्ता डेरा का मुख्य प्रमुख कार सेवक तो प्रमुख जत्थेदार हमारा जो डेरा कार सेवा का प्रमुख जत्थेदार श्री बाबा तरसेम जी की जो बर्बरता से हत्या की थी, उसमें अभी तक ऑलरेडी हमने कुल मिला के 7 लोगों को हमने जेल भेज दिया है। इस दौरान आपको सभी घटनाएं आपको वाकिफ है। तो अभी हाल ही में एक पुलिस मुठभेड़ हुआ, एक मुख्य अभियुक्त जो शूटर है तो वो हरिद्वार के आउटस्कर्ट्स में पुलिस के टीम के साथ मुठभेड़ हुआ था। उसने पुलिस को चैलेंज किया है, फायरिंग करने का प्रयास किया, तो उसके बाद जो कुंबिंग एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में जो उसको भी गोली लगी है और जिसके वजह से उसकी बाद में मृत्यु हुआ। तो ये भी आपको सभी को अवगत है। इसी सिलसिला में हमारा इन्वेस्टिगेशन लगातार प्रचलित है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास 2 वांटेड और हैं, टोटल 3 वांटेड थे। उसमें एक शूटर है सरबजीत सिंह और एक सतनाम सिंह था जो इस घटना का प्रमुख पात्रधारी या मुख्य संयोजक बोलूं कॉन्स्पिरेसी में, जो शहजानपुर में रह के सारे कॉन्स्पिरेसी रचा के समस्त प्रकार के संसाधन और शेल्टर और सारे चीजें मुहैया कराए थे, शूटर्स को पैसे भी दिलाए थे, वो है सतनाम सिंह। तो इसके अलावा एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो इस घटना का मैं बोलूंगा सब एक लीड कॉन्स्पिरेटर बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ही प्रमुख कॉन्स्पिरेटर है जिसने 6-7 महीने पहले से ही डिसाइड किया और हर आदमी को टास्किंग दिया, वो है सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह जो है बहुत ही लड़ाकू और बहुत ही क्रिमिनल किस्म का आदमी है, बहुत शातिर किस्म का अपराधी है। ये गुंडों को और गुंडे मुंडे सभी प्रकार के अपराधियों को, विभिन्न स्टेट्स के अपराधियों को पालता है। तो इसने बाबा को मारने का पहले से ही कॉन्स्पिरेसी रचा दिया था, ये चीजें पहले से ही क्लियर हो गई थी। क्लियर होने के उपरांत जो है हमने सुल्तान सिंह का भूमिका भी उजागर किया था, उसको वांटेड भी बनाया था। हाल ही में कल ही हमने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था, इसमें इनाम की राशि का जो है घोषणा करने की प्रक्रिया भी प्रचलित था। इसी बीच में हमको बहुत अच्छी सफलता उपलब्ध हुई है हमारी विभिन्न टीमों को। कल हमें एक ही दिन 2 अच्छी सफलताएं उपलब्ध हुई है 2 अलग अलग जगह से। हमारा एक टीम ने सतनाम सिंह को नेपाल बॉर्डर से गौरी पंटा एक जगह पड़ती है, लखीमपुर कीरी के जिला में पड़ता है, इंडो नेपाल बॉर्डर है, तो वहां से हमने सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसको पकड़ दकड़ की कार्रवाई करते हुए उसको ऑफिशियली दाखिल कर लिया हमने। तो ये नेपाल भागने की फिराक में था सतनाम सिंह, इस घटना का प्रयुक्त संयोजक बोलूंगा मैं उसको, क्योंकि उसने शूटर को पैसा भी मुहैया कराया है। शहजानपुर के जो कौन सा जगह है वो निगोई में जो दिलबाग सिंह के जो फार्म में जो प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी में ये संयोजन हुआ था, मतलब चारों लोगों ने मिलकर बलकार सिंह, प्रगट सिंह, दिलबाग सिंह और सतनाम सिंह, ये 4 जो है शहजानपुर में बैठ के पूरी चीजें उपलब्ध कराई शूटर्स को काफी दिन पहले से, 14 तारीख से। तो ये चीजें हमें सीसीटीवी और सीडीआर में एविडेंस प्राप्त हुआ है, वो मुख्य अभियुक्त है, मतलब लीड संयोजक है ये हमारा सतनाम सिंह। तो सुल्तान सिंह तो बिलासपुर का रहने वाला है, बिलासपुर का सबसे बढ़िया क्रिमिनल है, तो इससे बहुत लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं वहाँ बिलासपुर में, क्योंकि ये अपराधी किस्म का है, गुंडे वुंडे पालता है कुश्ती के नाम पे, लेकिन करता एक ही काम है कि बाहर के क्रिमिनल्स हरियाणा और पंजाब के क्रिमिनल्स को शेल्टर देता है। और ये खुद भी जब भागा था, ये वारदात में बहुत अच्छी भूमिका इसका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे शूटर अपराध करते हैं ये भी ऑटोमेटिकली सुल्तान सिंह अपना घर बिलासपुर से चलता, 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास चलता है, मतलब जैसे कि इसका सपना आया। सुल्तान को पूरा पता था कि भाई इतने बजे वारदात होगा, तो सेट पैटर्न के रूप में चलता है अपना बिलासपुर से वारदात होते ही और चल के शहजानपुर आता है। और उसी तरह पे हमारा दोनों शूटर शहजानपुर में दिलबाग के पास जाते हैं, अपने को जो जो कैश चाहिए था, इनको जो बकाया था पेंडिंग पैसा वो सब लिया और असलह वसलह सब कुछ एक ठिकाने लगा के, और उसके बाद जो है कपड़े वपड़े बदल के पूरा हुलिया बदल के गए। तो एक शूटर जो हमारा मजीद है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, सरबजीत को तो दिलबाग ड्रॉप करते हुए दिख रहा, वो तो हमने पहले से ही आपको बताया था। दूसरा शूटर जो बिट्टू है ना, बिट्टू इसका साथी है, मतलब बिट्टू और अमर सरबजीत को मतलब आपस में जोड़ना और इस काम के लिए डिफाइन करना यही दो करेंगे, ये सुल्तान का रोल था। तो दूसरा शूटर जो बिट्टू है, बिट्टू एक जगह पे आता है और वहां पे उसका फोन जहां स्विच ऑफ हो रहा है बिल्कुल उसी जगह पे सुल्तान का भी फोन आके स्विच ऑफ होता है। तो सुल्तान आकर बिट्टू को ले जाकर उसके फार्म हाउस के पास, शाहजहांपुर में इसका खुद का भी फार्म है, वहां पर ले जाकर उसको और चीजें मुहैया करा के उसको आगे बुलाया है। तो ये सुल्तान का रोल है, एक संयोजक है पूरी कॉन्स्पिरेसी को उसने रचाया था। साथियों मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कल हमारे टीम जिसमें विमल रावत नेतृत्व कर रहे थे, सीओ हमारा खटीमा, बहुत प्रोफेशनल पुलिसिंग इन्होंने दर्शाया है। तो विमल रावत और उनकी पूरी टीम ने
जो इसमें काम कर रहे थे जनपद उधम सिंह नगर का, वो पूरी टीम को बहुत अच्छा सफलता मिली है। इस पूरे एसआईटी में अलग अलग टीम्स काम कर रही है। जो कल का जो टीम था, एक टीम को तो कमलेश, रविंदर बिष्ट और भुवन जोशी वो लोग ऑपरेट कर रहे थे जो सतनाम सिंह को पकड़ रहे थे। दूसरी टीम को विमल रावत के नेतृत्व में हमारा कौशल बाकुनी, राजवीर नेगी, अनिल और आपका संजय, ये ऑपरेट कर रहे थे हरियाणा में। तो सुबह दोपहर के टाइम में ये मिल गया है सतनाम सिंह, और बैक टू बैक दो घंटे में अच्छी सफलता मिलके हरियाणा जिले में जाके छुपा हुआ था। लास्ट में जगह जगह ठिकाना बदलता रहा, जहां जहां हमारा टीम पहुंचे ये भी ठिकाना बदलता रहा। तो ये भी ठिकाने बदलते बदलते लास्ट में एक जींद एक जगह पड़ती है हरियाणा में, वहां पे खंडर घर में इसने थोड़ा सेंटर लिया था, वहां पर हमारी टीम ने उसको पकड़ दकड़ करके लेके आए हैं। तो इसने सारी चीजें कुबूला है, बहुत ही मुख्य संयोजक है। इसकी पूछताछ से हमको बहुत ऐसा अहम कड़ियां मिली है। तो ये जो बाबा तस्सेम जी की हत्या है, काफी पहले ही इन्होंने, इनके अलावा भी और भी लोग हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, सुल्तान को कंट्रोल करने वाला कुछ और लोग हैं जो उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। सुल्तान केवल अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा था, सुल्तान के पीछे लोग हैं जो जिनको पूरा फायदा था तस्सेम सिंह जी के मरने का। ठीक है, उन्होंने 6 महीने पहले ही कॉन्स्पिरेसी रचा दिया कि कैसे कैसे करना है, तो टूल किट एक्टिवेट कर दिया। इसलिए आप देख पा रहे हो जैसे ही मर्डर होता है तो एक वीडियो कैनेडा से आ जाता है, निहंग लोग वो कर रहे, गाना बना रहे, ये बना रहे, तो वो सारी चीजें पहले से ही प्लान था। इधर से मर्डर होना है 1 घंटे में, इधर से वीडियो आना है, और उससे पहले भी 2 महीने से लगातार सोशल मीडिया में टूल किट के माध्यम से बाबा जी के विरुद्ध जो है विभिन्न प्रकार की जो एक कैंपेन बोलते हैं ना, एक अभियान लॉन्च करना, ये इनका पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी था। तो इस प्रकार इधर डाइवर्ट करेंगे और इधर हम कर लेंगे, असली चीज में उन्होंने कराया पैसे के लिए। शूटरों को भी पूरा मोटा मोटा पैसा मिला, 10-10 लाख रुपए पैसे मिले हैं, सारी संसाधन पैसे लेके करा है। असली मोटिव इनका है कि जो हमारा डेरा कार सेवा का जो गुरुद्वारा है और उसमें डेरे हैं, उन पर कब्जा करना, वो डेरों की संसाधनों पे और संपत्ति पे राज करना, और यहाँ के तराई के सारे गुरुद्वारों पर जहाँ पर डेरा कार सेवा के गुरुद्वारे होते हैं, जिनके अधीनस्थ आते हैं या जिनके फॉलोअर्स होते हैं, तो उन सभी गुरुद्वारों पर अपना वर्चस्व जमाना कुल मिला के यही है। और लेकिन सुल्तान यहाँ पर अकेला नहीं है, सुल्तान के पीछे भी और बहुत सारे एक कॉकस है, एक ग्रुप है जिन्होंने कराया है, उसको भी हम उजागर कराएंगे। अब उनको लेके आए सर, सब्जी जो फरार है शूटर, यस, उसको पकड़ने के लिए कुछ काम चल रहा है? बिल्कुल काम चल रहा है, आपको बिल्कुल पता है, जब वो काम हमारी माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीएजी महोदय के नेतृत्व में, माननीय एडीजी साहब भी हमारा सुपरविजन कर रहे हैं। बहुत बड़ी एसआईटी है, बहुत ही केपेबल लोगों का एसआईटी है यहाँ पे, एसटीएफ की टीम से, हमारे एक एसटीएफ टीम के साथ ही तो मुठभेड़ हुआ, जो इस टीम पे ऑपरेट कर रहे वही तो टीम है, कोई अलग नहीं है, सारा उत्तराखंड पुलिस एकजुट होकर काम कर रही है, इसमें कोई अलग वो नहीं। ये जो एसआईटी है इसमें एसटीएफ के लोग नामित हुए हैं। तो पुनः मैं बता रहा हूँ, टीम को बहुत बहुत बधाई। वो कई दिन से टीम ने अलग अलग स्टेट्स पे डेरा डाला था, कमलेश रविंदर की वो टीम है, वो तो लखीमपुर खीरी बंडिया पता कहाँ कहाँ आगे चले गए थे, नेपाल बॉर्डर पर छान रहे थे क्योंकि उनकी पूरी इनपुट था। इसी प्रकार विमल की अगुवाई में जो संजय है, कौशल बाकुनी है, राजवीर नेगी, अनिल, इन सब लोगों की टीम है, प्रवीण गोस्वामी, इन सब की टीम है, वो भी पूरा हरियाणा पंजाब की खाक छान लिया है, कम से कम 7-8 जिले के मतलब उन्होंने अलग अलग जगह रहे। विगत 5-6 दिन से बिना सोए बिना खाए वो लोग कर रहे थे, तो हमारी टीम को इतनी मेहनत से बाद जो है इतनी एक ही दिन में दो शुक्रवार को जो दो सफलता मिली है, टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। माननीय डीजीपी महोदय के नेतृत्व में हम इस केस को एक चैलेंज की तरह तो लेके ही रखे हैं। इस बड़ी टीम में सभी लोग हैं, यहाँ पे एसटीएफ की लोग भी हैं, यहाँ पे पूरे कुमाऊं रेंज के सभी
कुमाऊं रेंज में डीआईजी महोदय ने सक्षम बहुत सारा क्राइम में कॉम्पिटेंट हमारा इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर और पूरी टीम मुहैया कराया है। उधमसिंह नगर के पुलिस के सभी सीओ विभिन्न सीओ से लेके अलग अलग रैंक के अधिकारीगण है, एसआईटी प्रभारी मनोज है, अभय है हमारे पास, चंद्रशेखर घोड़के हैं, एवरीबडी आर वर्किंग इन दिस टीम। इस टीम में सभी का एक बहुत अच्छी योगदान है। तो पुनः टीम को ये मैं ही यही निर्देश कर देता हूँ कि लगातार लगे रहें। आप जो हमारा वांटेड शूटर है, अब हमारा एक वांटेड है जो शूटर है, उसके अलावा बाकी जो षड्यंत्रकारी है उनकी भूमिका उजागर करना है तो वो हम बाद में बता देंगे, वो कड़ी से कड़ी जोड़ के हमें अवगत करा देंगे। फिलहाल वांटेड जो है वो मेन है अभी शूटर, जो 1 लाख का इनामी है, सरबजीत है। आपके माध्यम से पुनः बताता हूं मैं, ये बहुत ही खूनखार और शातिर अपराधी है। वो जहां भी मिलता है तो कृपया करके रिवॉर्ड दीजिए, रिवॉर्ड ही है, 1 लाख रुपीस का रिवॉर्ड भी है। कृपया करके आप नियरेस्ट पुलिस थाने को या हमारे को आप इन्फॉर्म करिए। थैंक यू सर।